हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का पांचवा वीडियो है जिसमें मैं आपको इनपुट आउटपुट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है लाइब्रेरी फंक्शंस को, लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने इसका आपको तरीका पहले बताया था कि इसके लिए आपको हैश लिखना है, इंक्लूड लिखना है, लेस देन का साइन लगाना है, जो भी फाइल आपको इंक्लूड करनी है उसका नाम लिखना है डॉट एच के साथ और उसको ग्रेटर देन के साथ बंद कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारी लाइब्रेरी फाइल है वो stdio है, तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। अब हमें दूसरी एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी कॉर्नियो करके। मैंने बताया था कि इस फाइल में फंक्शन होता है जिससे कि आप का प्रोग्राम जो है एकदम से बंद नहीं होता, वो बीच में रुक जाता है। तो इसीलिए तो अब हमारी जो है लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड हो गई है। तो अब हमें अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है। मेन फंक्शन वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम जो होता है सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है सी का। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, किस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने int लिख लिया जो कि एक कीवर्ड है इंटीजर बताने के लिए कि इंटीजर टाइप डेटा है। उसके बाद हम लोगों ने मेन लिखा जो कि हमारा फंक्शन का नाम है। फिर हमने ब्रैकेट लगाया जो कि मैंने आपको बताया था। फिर अब इस फंक्शन के अंदर जब हमें कोड लिखना है वो लेफ्ट, पहले लेफ्ट कर ली ब्रैकेट लगा लीजिए और फिर ये राइट कर ली ब्रैकेट आ जाएगा अपने आप। तो ये जो है हमारा कंप्लीट फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर हमें वो कोड लिखना है जो कि हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट का है। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट लेने के लिए हमारे पास कोई स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल भी होना चाहिए, तभी तो हम इनपुट ले पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना डेटा टाइप लिखना पड़ेगा कि हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप डेटा ले रहा हूँ, तो मैंने इंट लिखा जो कीवर्ड है इंटीजर टाइप डेटा डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का। उसके बाद जो भी वेरिएबल का हम नाम देना चाहते हैं, तो मैंने एक नाम रख लिया फर्स्ट, एक नाम रख दिया सेकेंड और एक नाम रख दिया रिजल्ट, और उसके बाद सेमी कॉलन लगा के स्टेटमेंट को एंड कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे जो है मैं ये लिखूंगा कि एंटर एनी टू नंबर्स, मतलब जो मैं आउटपुट देना चाहूँगा जब मेरा प्रोग्राम कोई पहली बार चलाएगा तो प्रोग्राम उससे पूछेगा कि दो नंबर डालिए। तो आउटपुट करने के लिए प्रिंटेफ लिखा, फिर से ब्रैकेट लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर मुझे जो भी मैसेज प्रिंट कराना है मैं लिख दूंगा एंटर एनी टू नंबर, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगा के स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। अब मुझे इनपुट में नंबर लेना है, तो उसके लिए जो फंक्शन का यूज़ करूँगा उसका नाम होता है स्कैनफ। मैंने स्कैनफ लिख दिया, फिर से मैंने ब्रैकेट लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब याद करिएगा कि मैंने पिछले वीडियो, अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो, इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वेरिएबल कीवर्ड्स के बारे में, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपने देखा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताया था कि इंटीजर के लिए अगर वेरिएबल टाइप इंटीजर है तो हम मॉड्यूलर डी का यूज़ करते हैं, और मॉड्यूलर डी जो है मॉड्यूलर जो है परसेंटेज का साइन होता है, तो परसेंटेज डी का हम यूज़ करते हैं इंटीजर के केस में। फ्लोट के केस में परसेंटेज एफ का, और कैरेक्टर के केस में हम लोग परसेंटेज सी का यूज़ करते हैं, और ये परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलर। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ये जो फर्स्ट है उसका डेटा टाइप देखिए इंटीजर है, तो हमें इसके लिए परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी मैंने लिख दिया। उसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आइए, अभी हम लोग को दो वैल्यू असल में इनपुट में लेना, तो हमें एक बार और परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास तीन वैल्यू होती तो हम तीन लिखते परसेंटेज डी, अगर चार होती तो चार लिखते। और ये याद रखिए कि स्मॉल में लिखिएगा, इसको कैपिटल मत करिएगा। तो हमें दो ही लेना है, तो हमने दो लिख दिए। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आए, फिर हमने कॉमा लगाया। अब उसके बाद जो वैल्यू हमें पहले लेना है, मतलब जो वैल्यू इस परसेंटेज डी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगी, वो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, और वो है हमारा फर्स्ट। तो उसके लिख लिए, उसको लिखने के लिए हमें एक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा जिसे एम्परसेंड कहा जाता है, ये एंड वाला ऑपरेटर। और उसके बाद हम फर्स्ट लिख देंगे ये, तो अब ये फर्स्ट के लिए इनपुट हो जाएगा, इस वाला से फर्स्ट वाली वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें दूसरे वाले के लिए लिखना है, तो हम दूसरे वाले वेरिएबल के लिए हमें कॉमा देना है, और उसके बाद फिर से एम्परसेंड, और उसके बाद सेकंड लिखना है,
उसके बाद फिर स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, सेमी कॉलन लगा दीजिए। तो ये लाइन जो है हमारी जो है इनपुट लेगी। अब इसमें देख लीजिए एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि परसेंटेज डी जो है इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमारा जो वेरिएबल टाइप है वो इंटीजर टाइप है, और जो हमारा जो जैसे फर्स्ट है तो पहले हमें फर्स्ट वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है, तो हमने पहले वाले फर्स्ट एम्परसैंड के साथ फर्स्ट लिख दिया, और उसका दूसरे वाले में करानी थी तो दूसरे में लिख दिया, और बीच में हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। और बस ये हो गया, इसके ज़रिए हम इनपुट लेंगे। अब जो हमें इन दोनों को जोड़ना है, मैंने कहा था कि मैं इनको ऐड करूँगा, तो अब इसका वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड लिख दिया और फिर सेमी कॉलन लगा दिया। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होके रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब जो है हमको ये वैल्यू आउटपुट में भी दिखानी है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था प्रिंट एफ यूज़ करना है। जब भी आपको आउटपुट देना है तो उसके लिए आपको प्रिंट एफ यूज़ करना है और ये ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज वो लिखना है जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है इन दोनों का एडिशन, तो मैंने लिखा रिजल्ट और उसके बाद ये लगा दिया कॉलर, स्पेस दिया। अब हमको ये भी यहाँ पे देखना है कि रिजल्ट का जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो रिजल्ट का डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, तो हम फिर से यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आके एक कॉमा लगाएंगे नीचे वाला, और जो भी वेरिएबल का जो भी वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम आउटपुट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे रिजल्ट वाले वेरिएबल का वैल्यू हम आउटपुट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे और उसके बाद फिर सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये हमारा है जो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद एक गेट सी एच लगा लेंगे और फिर सेमी कॉलन और फिर रिटर्न ज़ीरो। ये गेट सी एच मैंने इसलिए लगाया कि प्रोग्राम एकदम से बंद ना हो, ये जो एक मतलब वेट लेके बंद हो, एक एंटर लेने के बाद, वो मैं आपको दिखा दूंगा प्रोग्राम में। और ये रिटर्न जो ज़ीरो किया है वो इस वजह से किया क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसीलिए किया है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। एक बार फिर से मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया stdio.h और corneo.h। उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें सबसे पहले मैंने उसका रिटर्न टाइप लिखा इंटीजर और उसका मेन जो फंक्शन का नाम है वो लिखा, फिर ये फंक्शन ब्रैकेट लगाया और ये करली ब्रेसेस लगा दी मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए फर्स्ट सेकेंड और रिजल्ट, और जो इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप था वो इंटीजर था तो मैंने इंटीजर लिख दिया। उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ लिखा जिसमें मैंने लिखा एंटर एनी टू नंबर। उसके बाद फिर मैंने इनपुट लेने के लिए स्कैनफ का यूज़ किया। स्कैनफ की यूज़ इस तरीके से होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको डबल इनवर्टेड कॉमा में अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल डेटा टाइप आपको ये परसेंटेज डी लिखना है, अगर फ्लोट होगा तो परसेंटेज एफ लिखना है। उसके बाद जब आप ये लिख देंगे तो उसके बाद आपको कॉमा दे के एम्परसैंड फर्स्ट लिखना है, फिर एम्परसैंड सेकेंड। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जितने वैल्यू का आपको इनपुट लेना होगा उतने ही बार आपको मॉडुलस डी लिखना होगा। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए एक इंटीजर वैल्यू होती और एक जो होती फ्लोट होती एक कैरेक्टर होती, तो उसका भी जो है हम एक ही लाइन में इनपुट ले सकते थे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता। हम ये आपको परसेंटेज डी लिखा था, इसके बाद हम लोग परसेंटेज एफ लिख देते हैं, फिर परसेंटेज सी लिख देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कॉमा लगा के और ऐड कर देते एम्परसैंड। जैसे मान लीजिए एफ एल ओ के लिए फ्लोट के लिए मैंने लिख दिया एम्परसैंड और सिंबल के लिए, हालांकि मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया पर मैं आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम और भी वैल्यूज इसमें ऐड करवा सकते थे। खैर ये दो वैल्यू तो मैं वेरिएबल्स ऐड नहीं करवाने तो मैंने हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों को ऐड किया और इसका वैल्यू को रिजल्ट में स्टोर करा दिया और फिर मैंने प्रिंटफ के ज़रिए आउटपुट दिखा दिया। और आउटपुट में मैंने आपको एक और नई चीज़ बताई कि जो भी वेरिएबल जो है आप उसको जो आउटपुट करना चाहेंगे उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज़ करना होगा। तो जहाँ पर ये इंटीजर टाइप है इसीलिए मैंने परसेंटेज डी का यूज़ किया, फिर कॉमा लिया और फिर मैंने रिजल्ट लिख दिया क्योंकि मुझे इस वेरिएबल का जो है आउटपुट देना था। और उसके बाद फिर मैंने गेट सी एच लगा दिया। ये क्यों लगाया, क्योंकि
जो प्रोग्राम है एकदम से बंद ना हो जाए, इसलिए मैंने लगाया रिटर्न जीरो लगा दिया, क्योंकि ये है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ और इसे रन करता हूँ। कंपाइल करने के लिए आपको बिल्ड पर जाना है, बिल्ड पर क्लिक करना है और जो है आपका बिल्ड हो गया। कोई एरर नहीं आप देख सकते हैं, बिल्ड लॉग में आप देख सकते हैं, हाँ जीरो एरर, जीरो ये है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, इसके लिए मैं बिल्ड पर जाऊँगा और रन पर क्लिक करूँगा। अब ये देखिए प्रोग्राम जो स्टार्ट हो गया और अब ये कह रहा है कि दो नंबर को इवेंट रखिए। तो सबसे पहला नंबर मैंने 10 डाल दिया, दूसरा नंबर फिर से मैंने 10 डाल दिया और रिजल्ट आ गया 20 का, देख सकते हैं। और उसके बाद ये हो गया। और फिर से मैं बता दूँ गेट सी एच के बारे में। गेट सी एच क्या करता है, प्रोग्राम को स्टॉप करता है। अगर हम इसको यहाँ से चलाते, मतलब जहाँ पे फोल्डर पे स्टोर है, प्रोग्राम्स में स्टोर है, और ये रहा आयो का, तो यहाँ पे एकदम से बंद नहीं होगा। 10 दिया, फिर 10 दिया, रिजल्ट आ गया, देखा आपने, एकदम से बंद नहीं हुआ। और अगर यही मैं हटा दूँ गेट सी एच को, तो एक प्रोग्राम एकदम से बंद हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्रोग्राम में चेंजेस करें तो दोबारा से कंपाइल कर लीजिए। और एक कंपाइल करने का शॉर्टकट ये भी कि यहाँ पे आप देख सकेंगे ये एक चरखे का साइन है, इस पर आपको क्लिक करना है, बिल्ड हो जाएगा। और फिर हरे वाले पे करेंगे तो रन हो जाएगा उससे। तो हमको तो फोल्डर से चलाना है प्रोग्राम, तो फोल्डर में आ गया, फिर एक्सी फाइल पर क्लिक करिए। फिर जैसे ही मैं 10 डालूँगा, फिर मैंने 20 डाला, तो देखिए आपने एकदम से बंद हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे गेट सी एच लगाया था। अब आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फोल्डर से मैंने प्रोग्राम को रन कराया, मैंने इसमें 50 लिखा और इसमें 60 लिखा। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आया और प्रोग्राम अभी रुका हुआ है, और जब मैं एंटर दबाऊँगा तब ये गायब हो जाएगा। तो ये जो था मेरा पहला इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मैं आपको एक कैरेक्टर बेस पर भी दिखाना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को ज़रा देखिए। तो इस प्रोग्राम में जो है, सबसे पहले मैंने वही लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने सिंबल रखा। ये कैरेक्टर है और ये उसका सिंबल है। कैरेक्टर के लिए CHAR कैर का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर मैंने printf के ज़रिए मैसेज आउटपुट किया कि जो है आप एंटर करिए कोई सिंबल। scanf के ज़रिए मैंने इनपुट लिया। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप के मॉडल परसेंटेज सी का यूज़ होता है, और परसेंटेज सी लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल का जो है इनपुट लिया था, तो मैंने एक ही परसेंटेज सी लिखा, फिर कॉमा लगाया, और फिर जो वेरिएबल का नाम है उसके साथ ampersand जो n वाला सिंबल है, n वाला ampersand इसे कहते हैं, इसको ऐड कर दिया। ampersand सिंबल या एंड सिंबल लिख दिया और इससे जो है इनपुट हो गया। फिर मैंने इसी इनपुट को आउटपुट में दिखाया कि यूज़र ने कौन सा सिंबल इनपुट किया है, तो उसके लिए मैंने फिर परसेंटेज सी का यूज़ किया जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको printf में कोई वेरिएबल आउटपुट में दिखाना है तो अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल डेटा टाइप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर था तो मैंने परसेंटेज सी का यूज़ किया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पहले वाले के लिए जो यहाँ पर जो लिखा है सिंबल वो आ जाएगा। और पिछले वीडियो मैंने आपको एक शब्द के बारे में बताया था, ASCII वैल्यू, जिसमें क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो होता है हर एक मतलब सिंबल, जैसे कैपिटल A है, कैपिटल स्मॉल A है, स्मॉल B है, तो हर एक सिंबल के लिए एक स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये एक कैरेक्टर इनपुट लेगा, उसको कैरेक्टर को आउटपुट पे दिखाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी इंटीजर वैल्यू है वो भी दिखा देगा। और यहीं से आप एक चीज़ को समझिएगा कि हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिखानी है किसकी, कैरेक्टर की। तो जो हमें आउटपुट दिखाना है वो इंटीजर है, इसीलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है, परसेंटेज सी नहीं लिखा, क्योंकि हमें कैरेक्टर नहीं प्रिंट कराना है, हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को आउटपुट करना है। तो उसके लिए हमने परसेंटेज डी लिखा, और ये सिंबल का है तो मैं सिंबल लिख दिया, और फिर ये हो गया। फिर मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। आप देखिएगा, मैं यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल H लिखता हूँ और एंटर, ये देखिए आ गया सिंबल, हमने H किया स्टोर, और उसकी ASCII वैल्यू जो है वो 72 है, जो मैंने आपको बताया था कि हर एक कैरेक्टर का जो है एक स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू होता है जिसे ASCII वैल्यू कहते हैं।
दूसरा मैं आपको एक स्पेशल सिंबल भी एंटर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डॉलर का साइन दिया और फिर एंटर किया तो इसका 36 आ गया। इसी तरीके से एक और मैंने प्रोग्राम फ्लोर पे लिखा है जिससे आपको फ्लोर का भी जो क्लियर हो जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो वही है मैंने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद ये देखिए यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने डेटा टाइप लिखा फ्लोर, उसके बाद वेरिएबल नेम जो कि नम मैंने रखा है, फिर मैंने वही इनपुट लिया, फिर मैंने स्कैनएफ लिया, स्कैनएफ में मैंने परसेंटेज एफ लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जो नम है उसका डेटा टाइप फ्लोट है, और मैंने आपको बताया था कि जो अगर आपका डेटा टाइप फ्लोट है तो उस वेरिएबल के लिए परसेंटेज एफ का यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ स्कैनएफ में परसेंटेज एफ लिख दिया, और उसके बाद मैंने एम्परसैंड एंड लगा के जो भी हमारा है वो लिख दिया। तो एक चीज़ यहाँ से आप क्लियर एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर वह डेटा टाइप फ्लोट है या इंटीजर है, कुछ भी हो, तो एम एंड और उसके बाद उसका नाम लिखना, इसमें कोई चेंज नहीं होना। लेकिन जो आप जो परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ लिख रहे हैं उसी में बस अंतर आएगा। तो यही मैंने किया, और फिर इसको भी आउटपुट करा दिया कि जो भी वैल्यू था, फिर मैंने प्रिंट एफ में वैल्यू, फिर परसेंटेज एफ लिखा। ये परसेंटेज एफ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो ये वैल्यू आउटपुट करनी है वो हमारी फ्लोट टाइप के डेसिमल वैल्यू है, और जो भी वेरिएबल का नाम है वो मैंने डाल दिया और वो हो गया। और फिर मैंने वही गेट सी एस लगा दिया प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, और रिटर्न जीरो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। तो अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया, और हम इसे भी रन करके देख लेते हैं। पहले बिल्ड कर लेते हैं फिर रन करते हैं। तो ये देखिए ये आ गया, एंटर डेसिमल वैल्यू पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 5.45 डाल दिया और एंटर दबा दिया। ये देखिए ये वैल्यू आ गई, जो भी डेसिमल वैल्यू मैंने डाली थी वो आउटपुट में आ गई। तो इस वीडियो से आपको स्कैनएफ प्रिंटएफ के बारे में मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आप समझ गए होंगे, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आगे और वीडियोस में जब और थोड़ा सा प्रोग्राम तरह तरह के बनाऊंगा डिफरेंट, तब ये सब चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारे अपडेट्स पहुँचते रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।